चलिए अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल मोस्ट फेवर्ड इन, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा या सबसे तेजी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देता है। AIPMT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। अब यार तुम्हें एक चीज बता देता हूं मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो आपने NCERT पकड़ दिया, उसमें से रिएक्शन को याद करते गए और ऐसा वैसा कुछ नहीं मिलता वहां पे। और एक दूसरा वाला तरीके से, जैसे GOC1 और GOC2, जो GOC2 है जिसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म 2 बोलते हैं, अगर देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं ना भाई, अब ऐसा थोड़ी है कि सबके सब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। रिएक्शंस के टाइप होते हैं, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप रिएक्शन। तो उन्हीं में से एक है एडिशन रिएक्शन का टाइप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यह क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं वो क्या देते हैं, एल्कीन्स और एल्काइन ही देते हैं। और जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो मेनली, वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई सा भी ग्रुप, मान लीजिए RCOR है नहीं, बताओ आपके पास जो है कोई सा भी ग्रुप है RCOR। देखो ये कार्बन है sp2, क्या है sp2 कार्बन है भाई, बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव जाएगा। आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का या इलेक्ट्रोफाइल का, बताओ। वहां पर याद किया तुमने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, यहां पर पहला अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जल्दी से जल्दी। अब पहला ऑप्शन देखो सर, अगर इसमें प्लस माने, इस वाले कार्बन में भी प्लस माने, इसमें भी प्लस माने और इसमें भी प्लस माने, सर यहां से भी डोनेटिंग ग्रुप है, यहां से भी डोनेटिंग ग्रुप है, सर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, मेरे को इस पॉजिटिव चार्ज को और कम करना है, ये तो और बढ़ रहा है सर, मतलब मुझे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है, यहां तो कम हो रहा है सर, तो न्यूक्लियोफाइल तो वहां पर अटैक करेगा ना जहां पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो दूसरे वाले ऑप्शन में भी पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, क्योंकि ये दोनों प्लस आई वाले ग्रुप है, कौन से ग्रुप है बताओ, प्लस आई वाले ग्रुप है। ऐसे तीसरे ऑप्शन में देखो, यहां से प्लस आई ज्यादा है, ज्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, तीन कार्बन वाले ग्रुप लगे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, लेकिन मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है, लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा कि पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़े, लेकिन चौथा जो ऑप्शन बैठ रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ CH3 ही देने वाला ग्रुप है, तो पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, लेकिन उतना कम नहीं कर पाएगा इनके कंपेरिजन में, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इनसे ज्यादा ही होगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th। देखो मेरा लैंग्वेज वो समझ रहे होंगे जिनने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फुल 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 फ्लैश कोर्स लेके आऊंगा मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी पूछे या ऐसे क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, इस पॉजिटिव, ये जो sp2 कार्बन है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को देखना है, जहां ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिक आसानी से अटैक करेगा, वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल जो है ज्यादा होगा। बात समझ में आई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो यहां पर मैग्नीट्यूड घट रहा है, यहां भी घट रहा है और यहां भी घट रहा है, और यहां पर जो है थोड़ा बहुत यहां भी घट, लेकिन उतना नहीं घट रहा है, तो ज्यादा यहां पर हुआ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चले जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4th जाएगा, है नहीं, मजेदार क्वेश्चन है ना। हाँ, ऑर्गेनिक पढ़ोगे आप मेरे से, ठीक है।